भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। गुजरात में भूकंप आता है, हजारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, राजस्थान में सूखा पड़ता है, लोग पानी पानी से मर जाया करते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि ये तूफान ये सुनामी रोज रोज नहीं आया करती हैं, ये बरसों में कभी कभार आती हैं, मनुष्यता को मार के चली जाती हैं, लेकिन एक तूफान ऐसा है जो हर समाज में आ रहा है, और वह तूफान कोई है तो बोतल का तूफान हुआ करता है, जो प्रतिदिन आ रहा है, हर समाज में आ रहा है, हर घर में आ रहा है, युवा बहुत ज्यादा उससे आकर्षित हो रहे हैं। मान्यवर, इसको बचाना पड़ेगा। मान क्यों पीता है यार? घूंट घूंट में मौत घुली है, तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी आंतें बर्बाद हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, सब कुछ जानता है। कितना मूर्ख है आदमी। लोग कहते हैं कि जो शराब पीता है वो बेहोश हो जाता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सिगरेट और शराब पीने वाला बेहोश नहीं होता है, बल्कि जो बेहोश होता है वही सिगरेट पीता है, वही शराब पिया करता है। अब आप सोचिए, सिगरेट पर लिखी है नैतिक चेतावनी, संवैधानिक चेतावनी लिखी है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सावधान इसे ना पिए, उसके बाद भी आदमी पी रहा है। गुटखे के पाउच में लिखा है कि मसाले से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी आदमी खा रहा है। अब बोलो, ये आदमी होश में है या बेहोश में है? जानने के बाद भी खा रहा है? नादान है वो लोग जो कहते हैं कि नशे से आदमी बेहोश होता है। मैं तो कहता हूं, बेहोश आदमी ही जिंदगी में नशे किया, होश में आओ, नशे से बचने का प्रयास करो। मान्यवर, ये बलात्कार, ये हिंसा, ये लूटमार, ये जितने वही देश में चल रहा है वातावरण, इस सब का कहीं ना कहीं तार शराब से जुड़े। जो शराबी होता है वो हिंसक भी हो जाता है, जो शराबी होता है वह बलात्कारी भी हो जाता है, जो शराबी होता है वो चोर भी हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी भी फैलाता है। ध्यान रखना, एक शराब हजार बुराइयां लेकर के आती है अपने जीवन में, मालूम है? शराब बहुत खराब है, बचना पड़ेगा। सुखचैन छीन लेगी ये, तुम्हारे जीवन का आनंद छीन लेगी ये, तुम्हारे कितने भी दान करना, लाखों की बोलियां लेना, चढ़ावा कर लेना, यदि शराब चढ़ा रहे हो ना, उस बोली का कोई भी पुण्य तुम्हें लगने वाला नहीं। पवित्र करो अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो। एक बात याद रखना, ऊपर की बिल्डिंग से गिर के कोई उठ सकता है। मैं आ रहा था ना पहले दिन, एक रात यहां कोई गिर गया ऊपर से नीचे, डक में गिर गया, परसों मेरे दर्शन करने आया। मैंने कहा, तू गिर गया तुझे चोट नहीं लगी? बोले, कुछ भी नहीं लगा, ऊपर से गिर गया, समाज सकते में आ गई, क्या होगा, कल महाराज का प्रवेश है, राज बच्चा गिर गया। लेकिन वो मेरे सामने खड़ा था। एक बात ध्यान रखना, ऊंची बिल्डिंग से गिर के आदमी उठ सकता है, ऊंचे ऊंचे मकानों से आदमी गिर के उठ सकता है, ट्रेन से गिर के आदमी उठ सकता है, साइकिल से गिर के आदमी उठ सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर ऊंचाई से गिर के आदमी उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं उठा करता है। ध्यान रखना, शराब बिल्डिंग से नहीं गिराती है, वो नजरों से गिराया करती है, नशा नजरों से गिराया करता है, कितनी भी ऊंचाई। एक बात ध्यान रखना, आंखों से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति, फिर लाख कोशिश कर ले, इनको उठने में पूरा जन्म कम पड़ जाया करता है। मैं चाहता हूं किसी की नजरों से मत गिरिए, ध्यान रखना। चरित्र से मत गिरिए, चरित्र सबसे बड़ी संपदा है। तुम्हारे मर जाने के बाद, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कितने भी करोड़पति अरबपति हो, ये कोई नहीं पूछता कि कितना बड़ा आदमी मर गया। मरने के बाद कोई नहीं पूछता कि उसके पास पैसा कितना था, कोई नहीं पूछता उसके पास औलाद कितनी थी, कोई नहीं पूछेगा कि उसका बैंक बैलेंस कितना था या उसके पास आभूषण कितना था। मरने के बाद दुनिया यदि याद करती है तो धन दौलत और माया को नहीं, आदमी के व्यवहार और आदमी के चरित्र को याद किया करती है। ध्यान रखना,
लोग पूछते हैं कि चरित्रवान था कि व्यवहारिक था। ये दुनिया ऐसे ही किसी के पुतले नहीं बना दिया करती है, ये दुनिया ऐसे ही किसी की मूर्तियां नहीं बना दिया करती है, ये दुनिया ऐसे ही किसी को श्रद्धांजलि नहीं दिया करती है। जीवन में जो आचरणवान होते हैं, दुनिया उनके चरणों में माथा झुकाया करती है। धनपतियों को हमने शीश नहीं झुकाया, राजमहलों को हमने शीश नहीं झुकाया, अरे सिंहासनों को हमारा भारत नहीं झुकता है। हमारा भारत यदि झुकता है तो संतों की समाधि पर अपना शीश झुकाया करता है, आचरण पर अपना शीश झुकाया करता है। धन वैभव को कौन शीश झुकाएगा? ध्यान रखिए, आदमी का चरित्र सारी दुनिया में पूजा जाता। क्या स्थिति होती है शराबी की मालूम? कभी विचार किया? एक दिन हम लोग बिहार करते हुए आ रहे थे, एक शराबी शराब पीकर चला आ रहा है। मालूम है कैसा चल रहा है? इठलाता बलखात। शराबी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ध्यान रखना। ज्यादा पी ले, ज्यादा चढ़ जाए ना तो चलना भूल जाता है, ऐसा चलेगा टेढ़ा 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 टेढ़ा। अरे मैंने पूछा, महाराज जी बताओ ये टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले क्या मालूम क्यों टेढ़ा चल रहा है, मैंने पी के आया इसलिए सीधा तो चल नहीं सकता है। ध्यान रखना, दुनिया में दो लोग ही टेढ़े चलते हैं, एक तो सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है और एक शराबी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। सांप और शराबी कभी सीधे नहीं चला करते हैं, बड़े टेढ़े टेढ़े चला करते, ठिलाते बलकाते। और एक बात और याद रखना, सांप कितना भी टेढ़ा चले, घर में प्रवेश करता है बिल में तो सीधा हो जाता है, और शराबी कितना भी सड़कों पर टेढ़ा चले, जब पत्नी की चप्पलें पड़ती हैं तो अपने आप सीधा हो जा। टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था शराबी। मैंने कहा यार ये दोनों टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं, ये सीधे क्यों नहीं चलते हैं? और एक बात और याद रखना, शराबी कितना भी शराब पीता हो, इतनी होश तो रखता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो सड़क के किनारे किनारे चलता है, बीच में नहीं चलता है। मालूम है इतना होश तो उसको रहता है, बीच में चलेगा कोई गाड़ी धक्का मारेगी, कोई तुझे उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, किनारे किनारे चलता है। मैंने सोचा ये टेढ़े क्यों चलते हैं? सांप भी टेढ़ा चलता है, शराबी भी टेढ़ा चलता है। मालूम है तुम्हें क्यों? दोनों की कुंभ राशि है, शराबी और सांप। ध्यान रखना, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। सांप के मुंह में जहर का घड़ा है और शराबी के मुंह में नशे का घड़ा है। ध्यान रखना, जिसके मुंह में जहर भरा हो वो सीधा कैसे चल सकता है? ध्यान रखना, वो टेढ़ा टेढ़ा ही चला करता है। एक शराबी को मैंने देखा, टेढ़ा टेढ़ा चला आ रहा, आते आते वो सड़क के किनारे क्या होती है वो, बोलो क्या बोलते हैं तुम्हारे मराठी में? अरे नाली, नहीं जानते क्या नाली? नूतन भाई गटर। अच्छा, इतने अंग्रेज हो गए तुम, ये गटर सीधा है? नाली बह रही थी नाली में। मालूम नाली किसे कहते? मालूम नाली किसे, गटर किसे कहते बताओ नूतन भाई है? अरे अच्छे से बोलो ना, तुमको ये थोड़ी कह रहा कि तुम वहीं से निकाल के लाए हैं, है? जहां समाज का दुनिया का भारी गंदगी जहां वहां करती है। अरे तुमको नहीं आता नूतन भाई, तुमको नहीं मालूम नाली किसे कहते, गटर किसे कहते। मेरे से पूछो कि गटर किसे कहते तो मेरी परिभाषा ही अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गंदा पानी बहता है वो गटर है। अरे नाली जो बहती है, गंदे पानी को गटर नहीं कहा जाता है। जो सूकर और कूकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, समझ गए ना? सूकर और कुकर, तुम्हारे यहां क्या बोलते? डूकर है? वही बोलते ना? नहीं, एमपी में डूकर तो बाप को बोलते हैं, तुम्हारे यहां उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है, सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, एक महीने बाद वही एस फरमाते मिलेंगे। ध्यान रखना, सूकर कुकर ऐसी कीचड़ में पड़े रहते हैं, जब उसमें लेटते तो नहीं ऐसा लगता है जिसे एयर कंडीशनल स्थान में आकर के बैठ गए हों। ध्यान रखना है, है? तो आदमी चला जा रहा था, चलते चलते क्या हुआ, शराबी का पैर भेग गया और छपाक से रेस्टोरेंट में गिर गया। अब सूकर और कुकर नांदगांव के थे, वो शॉपिंग करने गए थे, शादी का सीजन था, कनात के नीचे से घुसना है। ध्यान रखना, शादी विवाह का सीजन, रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, छपाक से आदमी गिर गया।
जैसे शराबी लोग गिर जाते हैं अक्सर नाली में, ध्यान रखना वहीं पड़े मिला करते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद सुकर कुकर दोनों शॉपिंग करके लौटे, बोले चलो यार अब घर चलते, गर्मी हो गई थोड़ा आराम करते हैं। जैसे ही देखा, अरे ये तो आदमी पड़ा है हमारे रेस्टोरेंट में, आज तो ये चीफ गेस्ट है, आज तो मुख्य अतिथि है अपने यहाँ का, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आदमी हमारे रेस्टोरेंट में मेहमान बन के आया है। अरे बोले तुझे मालूम है, सुकर ने कुकर से कहा, बोले क्या? बोले अरे आदमी आया है, स्वागत का भूखा है, इसे माला चाहिए, इसे स्वागत चाहिए, उसके बिना इसका मन नहीं लगता है। तो बोले हाँ हाँ देखो अपन भारतीय संस्कृति के सुकर और कुकर हैं, हमें भी इनका स्वागत करना चाहिए। तो सुकर ने कहा यार माला आला कहाँ से लाएं, शाल कहाँ से लेकर आए? बोले नहीं, भारतीय संस्कृति में लिखा है जिसकी जैसी हैसियत हो वैसा स्वागत करे, जिसके पास जो हो उससे स्वागत करे। समझ गए क्या? और अक्सर देखना शराबी जब नाली में गिरता है ना, तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, बंद नहीं रहा करता है, पड़ा रहता है। तो सुकर ने कहा कुकर भाई पहले तू स्वागत कर दे, बाद में मैं कर देता हूँ। सुकर उतरा नाली में, जैसे ही उतरा उसने जाके पहले मुंह सूंघा उसका, बोले धत तेरे की शराब पी के आया है, अरे मूर्ख आदमी जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पीता है। कभी देखा किसी कुत्ते ने शराब पियो? ध्यान रखना, बोले जिसे मैं नहीं पीता हूं उसे तू पी कर आया है। बेटा जब तू ये पी सकता है तो ये भी पी। समझ गए क्या? कुत्ता क्या करता है, तीन पांव धरणी धरे एक पांव आकाश, स्टाइल तो वही है ना, तीन पांव धरणी धरे एक पांव आकार, बिन बिजली बिन बादरे बरसे मूसलधार बरसे मूसल। अब समझ जाओ आगे क्या हुआ, शराबियों से पूछ लेना जा करके। मालूम है जैसे ही मूसलधार मुंह में आई, शराबी बोलता है मधुरम मधुरम। अरे मैंने कहा यार ये पागल हो गया है आदमी, मधुरम मधुरम कह रहा है, मुझे ऐसा लगा कि शराब के स्वाद में और डैश 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 उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अपने को तो मालूम नहीं है ना, पूछो शराबियों से शराब का स्वाद कैसा होता है। जैसे ही मुंह में गई बोले मधुरम मधुरम, शराबी बोला यार अभी तक शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था। समझ गए क्या? लगता है फैक्ट्री वाले मिला के ही बेच रहे हैं क्या, ध्यान रखना। पी गया सुकर ने कहा भाई तूने तो कर दिया स्वागत, जल तो हो गया, अपने यहां तो जल पान की व्यवस्था है। फिर क्या हुआ, सुकर उतरा उसने पूंछ उठाई, आगे उस शराबी से पूछना क्या हुआ, ध्यान रखना। शराबियों की जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है, ध्यान रखना। मानी बराब से निवेदन है, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, बेटी ने ही दुनिया सिर पे उठा रखी है, ध्यान। मान्यवर नदी तालाब कुएं में डूब कर जितने लोग नहीं मरते, आज उससे ज्यादा लोग शराब की बोतलों में डूब कर मर रहे हैं, ध्यान रखना। अरे वो जी कर भी नहीं जी रहे हैं, उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक जिंदा लाश की तरह उनका जीवन होता है। एक बात याद रखिए, जिन्हें जिंदगी जीने का आनंद नहीं मिलता है वो ही नशे में आनंद लिया करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचना क्या खाते रहते, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, ये क्या भरा रहता है मुंह में, ऐसा खाना खा लो पेट भर लो, रोटी खा लो व्यंजन खा लो नैवेद्य खा लो, मुंह में गुटखा, वो बकरी की तरह बकरी दिन भर पत्ते चबाती रहती है, वो भी चबाते रहता है, वो भी चबाते रहता है। मालूम है कभी गुटखा खाने वालों का मुंह देखना जा करके, उनके दांत देखना बिल्कुल मोतियों जैसे चमकते हुए दांत हैं, इतने सुंदर दांत, दांतों का रंग बदल जाता है। मैंने कहा यार इसके दांत कैसे हो गए, मैंने कहा क्यों रे तेरे दांत ऐसे क्यों हैं, पता चला शर्मा गया गुटखा खाता था। ये गुटखा खाने वालों के दांत ऐसे होते हैं कि जैसे बस स्टैंड पे सार्वजनिक शौचालय का, नहीं कभी देखना कमोड का रंग और उसका रंग एक सही होता है, मैंने तो देखा नहीं है सार्वजनिक शौचालय, ध्यान रखना। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि जो उस कमोड का कलर हो जाता घर वाली नहीं वो सार्वजनिक,
हैं, उसका कलर, इनके दांत का कलर एक से ही हुआ करता है। इतने सुंदर भगवान ने मोतियों जैसे दांत दिए थे, ये क्या हाल बना लिया उसका ध्यान। इतनी सुंदर पवित्र देह परमात्मा से मिली थी, क्या दशा कर ली उसकी तुमने अपने जीवन में। मान्यवर, एक शराबी अपने घर को क्या देता है विचार करिए। एक पिता जो जिंदगी भर समाज में अपनी इज्जत कमाता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज का मुखिया बन के बैठता है, उसने जीवन भर अपने चरित्र को बचाया है, जीवन भर अपनी इज्जत को बचाया है, तब समाज उसे ले जाकर ऊंचे स्थान पर बिठाती है। एक समय वह था जब तुम्हारे पिता की बात चार लोग सुना करते थे, एक समय वह था जब तुम्हारा पिता समाज के फैसले किया करता था, लेकिन जब से बेटा शराब पीने लगा ना, उस पिता को मंदिर जाने में शर्म लगती है। ध्यान रखना, वो समाज के फैसले अपने हाथ में नहीं ले सकता है। जो कभी शान से जाता था, आज तुमने शराब पीकर अपने पिता का माथा चुका दिया है। लोग कहते हैं ये देखो इसका बेटा शराब पीकर पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, क्या दिया एक बाप को तुमने, जिस बाप ने तुम्हें बचपन में जब तुम रोते थे ना तो अपनी हाथ को काट का झूला बना दिया था। ध्यान रखना, रात रात जागता था तुम्हें चुप करने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। तुम्हारी माँ खुद गीले में सो के तुम्हें सूखे में सुखाया करती थी। बताओ उन माँ बाप को तुमने क्या सम्मान दिया है, क्या ऊंचाइयां प्रदान की हैं, आपने क्या दिया उस माँ बाप को। ये दिया, उसकी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी और बता दिया समाज के बीच कि इसका औलाद, इसकी बेटा शराब पीता है। ये कान में जब शब्द पड़ते हैं ना तो बेटा का, बाप का सीना छलनी हो जाता है, लेकिन लाचार है बाप, कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, एक शराबी अपनी मां को क्या सम्मान देता है। जब तुम पैदा हुए थे तो मां ने तुम्हारे मुंह में शराब की बोतल नहीं लगाई थी, मां ने तुम्हारे मुंह में आंचल का दूध लगाया था। ध्यान रखना है, कौन मां बाप है जो चाहते उसका बेटा शराबी हो। कोई मां बाप हो तो हाथ उठाओ। ध्यान रखना, जो सोचते हो कि मेरी कोख से जो जन्म ली, नई नई बहुएं बैठी हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके कोख से पैदा हुआ बच्चा शराबी बनना चाहिए, आपकी कोख से बच्चा पैदा हुआ। एक बात याद रखना, शराबी का बाप, शराबी बाप भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए। ध्यान रखना, एक जो सिगरेट पीता है ना, और वो सामने बच्चे के सिगरेट पी रहा है, लेकिन बच्चा पिए तो उसे अच्छा नहीं लगता है। खुद शराब पी रहा है, बच्चा पीने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ध्यान रखना, इसका मतलब है एक शराबी भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद शराबी बने। ध्यान रखना, फिर तो तुम्हारे माँ बाप इज्जत वाले हैं। ध्यान रखना, क्या दिया एक माँ को। जब जन्म हुआ था तो माँ ने सोचा था मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, ये नाम रोशन किया है। बिचारी मंदिर जाती है, मुनियों के पास जाती है, आहार देती है, भक्ति करती है, लेकिन कोई कह देता इसका बेटा शराब पीता है, उसकी सारी भक्ति मिट्टी में मिल जाया करती है। एक शराबी अपनी माँ को क्या इज्जत देता है, बोलिए। अरे माँ को इज्जत ऐसे नहीं दी जाती है। जब हमारी माँ से लोग मिलते थे ना तो कहते थे कि बोल माँ कौन सा पुण्य किया है जो ऐसे बेटे को तूने जन्म दिया है। ध्यान रखना, लेकिन आज तुम शराबियों के माँ बाप से मिलो तो बेटा बाप तो लज्जित होता ही है। उसके दोस्त कहते कौन सा पाप किया था जो ऐसा शराब पीने वाला बेटा तेरे घर में, ये सम्मान दिया तुमने माँ बाप को व्यसन करके, फैशन करके। माँ बाप का अपमान मत करो मेरे भाई।